सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइज, एक बार फिर से आप सभी लिए लेकर के आ चुके एक और न्यू वीडियो। आज की वीडियो में आपको बताने वाले होंगे टूल बॉक्स के बारे में। गाइज, टूल बॉक्स एक ऐसा टूल है जो कि जब सर्वर में तो आप यूज मत करना क्योंकि आप बैन हो जाओगे सर्वर से, लेकिन जब जो आपके सर्वाइवल माइनक्राफ्ट खेलते हो उसमें गाइज आपको यदि मजे करने हैं तो उसमें गाइज आप इसे यूज कर सकते हो, और यदि आपको उसमें भी करने हो सर्वर से में तो आप कर सकते हो, बैन हो जाओगे तो फिर मेरे से मत बोलना। तो इसमें गाइज काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, गाइज आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि मैक्स इंचेंटमेंट, वॉक ऑन वाटर, काफ़ी सारी इसमें आपको देखने को मिलेंगी अलग अलग चीज़ें जिनके बारे में गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना, और जो भी चैनल बने हो गए सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइज लाइक भी कर दीजिए फटाफट से। तो सबसे पहले तो गाइज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है, ये आ जाएगा, और गाइज यहाँ पे ऊपर प्रीमियम है मेरा ये चल रहा है। तो गाइज आप इस प्रीमियम को यदि बढ़ाना चाहते हो तो आप इस पर प्लस के आइकन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वॉच ऐड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। 15 सेकंड आपको, सॉरी गाइज 30 सेकंड को आपको एक ऐड देखना पड़ेगा, और आपको 15 मिनट्स आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे गाइज आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन इनको मैं अभी साइड में कर देता हूँ। और गाइज वर्ल्ड के ऑप्शन में आओगे तो गिव आइटम, ठीक है, तो यहाँ पे गाइज जब मैं अभी इस टाइम पे सर्वाइवल में, और गाइज मैं सर्वाइवल में गाइज कुछ भी चीज़ ले सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपको आर्मर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो आर्मर ले लेता हूँ, ठीक है, एक मैं स्वॉर्ड ले लेता हूँ। सॉरी गाइज, पहले आर्मर पे क्लिक करके ऐड करना पड़ेगा, स्वॉर्ड पे क्लिक करके ऐड करना पड़ेगा, तो इन सभी पे आपको क्लिक करके कुछ ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है, तो मैं सभी पे तो ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया आई थिंक, तो आ चुके हैं गाइज, तो यहाँ पे ऐड करते करते आ चुके हैं, और गाइज यहाँ पे मेरे पास पूरा आर्मर आ चुका है। अब गाइज फिर से जाता हूँ मैं इसी पे, और मैं यहाँ पे स्वॉर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर से इसी पर जाता हूँ, और गाइज यहाँ पे आपको इंचेंट देखने को मिल रहा होगा, इंचेंट देखने को मिल रहा होगा, इंचेंट पे आप क्लिक करो तो डायमंड स्वॉर्ड में आप आर्म ड्रेस कितना लगाना चाहते हो, नॉक बैक कितना लगा सकते हो आपके हिसाब से लगा सकते हो। तो यहाँ पे गाइज इस टाइम में मैं शार्पनेस पूरा 3-2 ये कर लगा सकता हूँ, लेकिन इतना ही रहने देता हूँ मैं, और जो गाइज हमारा नॉक बैक है उसको गाइज मैं फुल रखूँगा, लूटिंग को गाइज मैं फुल रखूँगा, लूटिंग को फुल रखूँगा तो फिर कुछ ज़्यादा ही लूट नहीं मिल जाएगी क्या, तो लूटिंग को फुल कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो लूटिंग को हम कर देते हैं फुल, और मेंडिंग और चीज़ों की मेरे को ज़रूरत नहीं है, बस मैं कर देता हूँ डन, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको लग चुकी है, देख सकते हो शार्पनेस लूटिंग, और इसी के साथ साथ मैं करता हूँ मेरे इस वाले आर्मर के साथ भी इंचेंट में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं प्रोटेक्शन है पूरे हाई लेवल कर सकता हूँ, फायर प्रोटेक्शन, हाई लेवल की ब्लास्ट प्रोटेक्शन, ये सभी की सभी चीज़ें मैं हाई लेवल की इनमें कर सकता हूँ ईजिली, ठीक है। ये पूरी की पूरी चीज़ें हैं जो कि गाइज आपको हेलमेट में लगेंगी, ठीक है, वो आपको यहाँ पे ऊपर दे दी जाएंगी। गाइज यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा जो माइनक्राफ्ट में होता है ना वैसे कर दिया, मतलब कर्स ऑफ वाइंडिंग और वैनिशिंग दोनों भी लगा दी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सबसे खतरनाक आर्मर हो गया, लेकिन ये हटेगा नहीं क्योंकि कर्स ऑफ वैनिशिंग बाइंडिंग लग चुकी है इसके ऊपर, चलो तो मेरे को हटाना भी नहीं है क्योंकि इतनी सारी इंचेंटमेंट है मेरे पास तो बहुत काम किए। यहाँ पे मैंने मेरे स्वॉर्ड को चेक करने के लिए यहाँ पे ये ले लिया एक जॉम्बी का स्पोन एग, और अब ये तो मेरे से ऐसे ही मर जाए क्योंकि गाइस थ्रोन्स है, तो थ्रोन्स तो तुम्हें पता ही है ना। और अब गाइस मैं करता हूँ यहाँ पे इसे स्पोन, ठीक है, यहाँ पे इसे स्पोन करता हूँ, और मेरे लूटिंग वाली स्वॉर्ड से मारता हूँ, तो गाइस मिला तो है कुछ चीज़, ठीक है, जो रेयर चीज़ होती है वो मिले, जैसे कि आलू रहा, ये चीज़ रही, ठीक है, इनका गाइस कोई यूज़ नहीं है, लेकिन अब ब्लेजर को मारेंगे तब पता चलेगा गाइस क्या यूज़ है इसका। यहाँ पे है गाइस हमारा आयरन गोलम, तो इसको मारने में तो और भी मज़ा आएगा, तो लास्ट ट्राई खांप पे जाता है ये तो यहीं पर मर गया सारा। नॉकबैक तो इस पर लगा देता हूँ मैं फुल नॉकबैक, ठीक है, ऐसे लगती नहीं है लेकिन हम तो कुछ भी कर सकते हैं ना, तो हमने लगा लिया नॉकबैक इसके ऊपर, और ये रहा हमारा एक बंदा मिल चुका है इसके ऊपर, हम एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं 1-2-3। तो गाइस नॉकबैक की गाइस पावर काफ़ी मस्त है, लेकिन थोड़ा लैग करके जाता है बंदा, ठीक है, और जहाँ पे ब्लॉक आ जाएगा ना वहाँ से आगे नहीं जा पाएगा ये, ठीक है, जहाँ पे ब्लॉक आ जाएगा ना उससे आगे नहीं जा पाएगा ये, ठीक है, इसे और इसे अब करता हूँ मैं नॉकबैक। सीरियसली गायब हो गया वो, यहाँ पे फिर से अगेन, और ये करता हूँ मैं नॉकबैक, तो काफ़ी दूर तक जाता है नॉकबैक में, ठीक है, कोई इतना वो भी नहीं है, ठीक है। और गाइज काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे गाइज मूवमेंट में गाइज जहाँ पे आपको एयर जंप देखने को मिल जाएगी, फ्लाइंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप गाइज सर्वाइवल में गाइज आप फ्लाइंग कर सकते हो ईजिली, ठीक है, सर्वाइवल है जिसमें आप फ्लाइंग कर सकते हो। यहाँ पे गाइज नो क्लिप, एयर जंप है, हाई जंप है, स्पीड है, ठीक है, ये तो आपकी जो नॉर्मल होती है ना, ये फॉलिंग, तो यहाँ पे आपको स्नो फॉलिंग का इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। और गाइज मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, पहले तो मैं गाइज कुछ आइटम ले लेता हूँ, मैंने कुछ ब्लॉक ले लिया है, गाइज ब्लॉक लेने के बाद मैं गाइज यहाँ पे है एक ऑप्शन ब्रिज बिल्डर का, इसको गाइज मैं यदि ऑन कर लेता हूँ ना तो गाइज मेरे को ब्लॉक लगाने की जरूरत नहीं है, मैं जहाँ पे भी चलूँगा ना वहाँ पे ऑटोमेटिकली ब्लॉक लगते जाएंगे, ठीक है, मैं जहाँ पे भी चलूँगा ना वहाँ पे मेरे को ब्लॉक लगाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली लगते जाएंगे। तो ये है गाइज ऑटो ब्रिज बिल्डिंग का ऑप्शन, तो गाइज कैसा लगा ये, लेकिन गाइज यहाँ पे ब्लॉक खत्म होते ही गाइज आप नीचे गिर जाओगे, ठीक है, ये नीचे गिर जाओगे आप, ठीक है, तो ये भी एक रोग है एक तरीके का, ठीक है, तो ये
काफ़ी मस्त है। और गैज यहाँ पे है और भी गैज कुछ सारी चीज़ें, लेकिन गैज इंटेंटमेंट का गैज काफ़ी मस्त है। ठीक है गैज, आपको और भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि गैज रेंडर में गैज आपको एक्सरे देखने को मिल जाएगा। तो एक्सरे में गैज आपको सभी के सभी ब्लॉक्स जो भी आप सिलेक्ट करोगे ना, वो आपको नीचे देखने को मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हो गए आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, ये नीचे डायमंड के ब्लॉक, इस जगह पर डायमंड के ब्लॉक है। ठीक है, तो आप आपके हिसाब से यदि डायमंड ब्लॉक को हटाना चाहते हो, गोल्ड गोल्ड के देखना चाहते हो, तो गोल्ड गोल्ड के देख सकते हो। जो भी आपको देखना है वो गैज आप यहाँ पे ईजिली देख सकते हो। ठीक है, जिस भी ब्लॉक को आपको देखना है, तो गैज काफ़ी मस्त है। यहाँ पे प्लेयर ESP, मतलब कि यदि आपको ऑनलाइन सर्वर में खेल रहे हो, तो गैज यहाँ पे आपको प्लेयर का ESP मतलब इसे ऑन करोगे तो आपका जो भी दूसरा बंदा जहाँ पर भी होगा ना, वो आपको दिख जाएगा। मतलब एक तरीके से हाइड एंड सीक में इसे आप यूज़ में ले सकते हो। यहाँ पे गैज आपको कुछ कमांड देखने को मिल जाएगी, आप कोई भी कमांड किसी भी नाम से आप दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे गैज आपको टेलीपोर्ट करना हो, जहाँ पे टेलीपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे गैज आप कमांड का नेम लिख दीजिए और कमांड दे दीजिए, तो गैज आप जो नाम देगा उस नाम से वो कमेंट बन जाएगी। टेलीपोर्ट आपको जहाँ पे भी करना है तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे टेलीपोर्ट, मतलब यहाँ पे पोजीशन लिखनी है, टेलीपोर्ट हो जाओगे आप। ये भी है टैप टू टेलीपोर्ट, तो गाइस ये इसको गाइस आप यदि ऑन कर लोगे तो यहाँ पे आपको सर्वर मोड का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सर्वर में भी इसे आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन गाइस यहाँ पे आप जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे ना, वहाँ पे गाइस आप टैप करोगे जिस भी ब्लॉक के ऊपर, आप वहाँ पे स्पॉन टेलीपोर्ट हो जाओगे। डाउनलोड करने की प्रोसेस बता देता हूँ, क्या प्रोसेस है। सबसे पहले तो गाइस आपको जो भी माइनक्राफ्ट है ना आपके, गाइज माइनक्राफ्ट को पहले आपको चेक कर लेना है कि वो 64 बिट का है या 32 बिट का है, क्योंकि गाइज आप जैसे ही इसको गाइज आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, जो आपके टूल बॉक्स है प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर गाइज आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यदि आपको ये वाला जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वाला यदि आपको स्क्रीन दिखता है, तो आपको वही चीज़ करना है, मेरे कमेंट सेक्शन में जाना है और वहाँ पे गाइज माइनक्राफ्ट 64 बिट की डाउनलोडिंग लिंक मिलेगी आपको, तो उसको गाइज डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और आपके पुराने वाले माइनक्राफ्ट को डिलीट कर लेना है, और गाइज आपको बैकअप ले लेना, कहीं बैकअप लेना भूल जाओ कि बैकअप ले लेना, और देन गाइज उसके बाद में गाइज आपको उस माइनक्राफ्ट को इंस्टॉल करके और गाइज टूल बॉक्स को ओपन करना है, तो गाइज आपका ये माइनक्राफ्ट ओपन हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, जो भी चैनल पर सब्सक्राइब करके जरूर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।